Hello friends, in this session we are going to discuss how to select the best coaching. Now the first question which comes, that why coaching? I mean coaching ki zarurat kyun hai? Sabse pehla sawal yahi uthta hai ki kya coaching ke bina civil services ya IAS ki taiyari nahi ki ja sakti hai, ya civil services ya IAS ki pariksha mein pass karne ke liye coaching anivarya hai? Iske jawab कभी भी सरल नहीं होंगे, क्योंकि हमें इस बात को देखना होगा कि कोचिंग की भूमिका क्या होती है, एक इंस्टीट्यूशन की भूमिका क्या होती है, एक शिक्षकों की टीम की भूमिका क्या होती है. व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीम ऑफ प्रोफेशनल टीचर्स हु आर हेल्पिंग द स्टूडेंट. सबसे पहली बात जो किसी भी कैंडिडेट को या एस्पायरेंट को कोचिंग लेने के लिए मोटिवेट करती है वो ये है कि इस पूरे तैयारी में लगने वाला समय कम हो जाता है. अगर आप यूपीएससी की तैयारी या सिविल सर्विसेज की तैयारी खुद करें, बिना किसी प्रोफेशनल हेल्प के करें, तब भी ये तैयारी आप कर सकते हैं. लेकिन फिर उसमें ये पूरी प्रिपरेशनल जर्नी में भी या बहुत हद तक गुंजाइश है कि 2 साल तक की भी होगी. लेकिन जब आप कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो आपके पीछे 8-10 प्रोफेशनल टीचर की एक फौज होती है, तथा उनके पीछे 40-50 प्रोफेशनल कंटेंट डेवलपर और एकेडमिशियन की फौज होती है. ये सभी मिलकर आपकी समय को बचाते हैं, आप कोचिंग करके समय सेव करते हैं. तो जो तैयारी आप 2 सालों में करेंगे वो तैयारी आप एक कोचिंग के माध्यम से 8 या 10 महीने में कर सकते हैं. सो बेसिकली द मेन आइडिया बिहाइंड गोइंग फॉर अ कोचिंग इज टू सेव टाइम, बिकॉज you might take 2 years of the entire time to prepare about this entire syllabus, which is very vast. But in a coaching, the entire preparational journey can cut short into the 8 months or 10 months. Second, that this UPSC has got the very vast syllabus. So there are 4 papers of GS, 2 papers of optionals, 1 paper of essay. Then in the prelims examination, there is 2 papers. One is GS, another is CSAT. And at the last, you get the main hurdle, I mean the last hurdle, that is personality test or interview. अब इन सभी चीजों को कवर करने के लिए, इतने वास्ट एरिया को और सिलेबस को कवर करने के लिए आपको एक टारगेटेड अप्रोच की आवश्यकता होती है. ये टारगेटेड अप्रोच कोचिंग में टीचर के द्वारा कई सालों के अनुभव के बाद विकसित किया जा चुका होता है. तो वहां पर अनुभव और कई लोगों की कलेक्टिव एफर्ट, उनकी एक साथ की कोशिश हमारे सामने आती है. और कोचिंग में एक एस्पायरेंट या एक कैंडिडेट एक टारगेटेड अप्रोच को भी प्राप्त करता है, शायद अकेले में या अलग अपने आप तैयारी करने पे यह अप्रोच ना मिले. साथ ही साथ जो तीसरी बात है कोचिंग करने में सहायक, वो कि आपको फैकल्टीज या टीचर की गाइडलाइन मिलती है, उनका कॉन्स्टेंट अनुभव या उनके गाइडलाइन से आप लाभ उठा सकते हैं, और आप उस सब्जेक्ट में अपनी किसी भी दुविधा, कोई भी कंफ्यूजन या डाउट को दूर कर सकते हैं. तो एक सब्जेक्ट के प्रति गाइडलाइन, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज, डाउट्स को आप सॉल्व कर सकते हैं. सो द फैकल्टी इज ऑलवेज अवेलेबल एट योर डिस्पोजल टू हेल्प यू आउट फ्रॉम एनी काइंड ऑफ सिचुएशन वेयर यू फील स्टक. चौथी बात यह है कि आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं. ये एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें आपकी खुद की तैयारी तो मायने रखती है, लेकिन आपके साथ जो आपका पीयर ग्रुप है, जिनके साथ आप कंपीट कर रहे हैं, उनके तैयारी का स्तर क्या है, वो कैसे लोग हैं, उनके तैयारी किस लेवल तक पहुंच रही है, किस गति से पहुंच रही है, उसकी जानकारी भी रखनी होगी. एक कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन आपको एक कंपिटिटिव इन्वायरमेंट मुहैया कराता है, और उस कंपिटिटिव इन्वायरमेंट में आप अपने आप को तौल पाते हैं कि आप अपने प्रिपरेशन के या तैयारी के किस चरण पे है, कहाँ पे कमी है और कहाँ पे चीजें सुधर रही हैं. सो द होल आइडिया इज टू गेट अ कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ऑफ द पीयर ग्रुप, एंड देन यू फील कंफर्टेबल विद योर प्रिपरेशन, विद योर पेस एंड विद योर अचीवमेंट इन टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जो पांचवी बात है वो ये है कि आप कोचिंग में सिर्फ क्लासरूम में प्राप्त जानकारी के लिए नहीं जाते, बल्कि कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको अपडेटेड और इंट्यून्ड मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं,
जो उस एग्जामिनेशन के सभी जरूरतों को पूरा करने में सहायक होती हैं। अगर आप अपने आप से उस मटेरियल को बनाना शुरू करें, नोट्स डेवलप करना शुरू करें, तो ये बहुत ही मुश्किल काम होगा। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा आप कर नहीं सकते, लेकिन इस काम को करने में आपको काफ़ी समय देना पड़ेगा। जबकि कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन में 40, 50 या 100 लोगों की टीम एक साथ काम करके आपके लिए ये बनाकर या तैयार करके देते हैं। सो यू गेट इन ट्यून एंड अपडेटेड मटीरियल विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यू डायरेक्टली रीच टू द लेवल वेयर द क्वेश्चंस आर बीइंग आस्क्ड एंड यू आर फोर्स्ड टू स्टडी दोज मटीरियल अंडर द गाइडेंस ऑफ द टीचर इनसाइड अ प्रेमाइस वेयर द कंपटीटिव एनवायरमेंट इज मेंटेन इनसाइड अ कोचिंग। सो दैट इज व्हाई द कोचिंग इज देयर। अगेन आई रिपीट दैट यू कैन प्रिपेयर ऑन योर ओन, बट देन यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम। योर इंटायर प्रिपरेशनल जर्नी माइट एक्सीड 2 ईयर्स एंड इवन मोर। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान का सिलेक्शन बिना कोचिंग के नहीं हुआ है, वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वो कोचिंग से जुड़े होते हैं, चाहे वो मटीरियल हो या किसी टीचर की गाइडेंस हो। तो इस कारण से कोचिंग की थोड़ी सी महत्व इस प्रिपरेशन में जरूर बनती है। सो लेट्स कंसीडर अ सिनेरियो वेयर यू आर गोइंग टू ऑप्ट फॉर अ कोचिंग, यू आर गोइंग टू गेट अ प्रोफेशनल हेल्प इन योर प्रिपरेशन। देन व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट अ गुड कोचिंग? आप किन आधार पे एक अच्छे कोचिंग को चुनेंगे? इसमें कई सारे आधार बनाए जा सकते हैं। द फर्स्ट क्राइटेरिया दैट आई वुड सजेस्ट दैट इज इंस्टीट्यूट्स रेप्यूटेशन। व्हाट इज द रेप्यूटेशन ऑफ दैट इंस्टीट्यूट? आई मीन हाउ ओल्ड द इंस्टीट्यूट इज एंड हाउ मेनी रिजल्ट द इंस्टीट्यूट हैज प्रोड्यूस्ड। उसकी रेप्यूटेशन क्या है, नाम क्या है, पीयर ग्रुप में या स्टूडेंट्स में उस इंस्टीट्यूट का नाम किस तरीके से लिया जाता है, उस इंस्टीट्यूट की रिस्पेक्ट क्या है, इन सभी बातों को सबसे पहले देखना चाहिए। दूसरी बात, यू हैव टू चेक दैट वेदर दिस इंस्टीट्यूट हैज अ ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ कवरिंग द इंटायर सिलेबस इन अ टाइम बाउंड मैनर। बिकॉज आई टोल्ड यू दैट बाई ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट यू बेसिकली बाई टाइम यू सेव योर टाइम। सो वेदर दिस इंस्टीट्यूट इज कवरिंग योर सिलेबस इन द डेजिग्नेटेड टाइम बाउंड। इफ इट इज नॉट एबल टू कंप्लीट द इंटायर सिलेबस इन दैट टाइम बाउंड मैनर, यू शुड कीप रिफ्रेन योर सेल्फ इन टेकिंग एडमिशन इन दैट कोचिंग। थर्ड एरिया दैट डू दिस इंस्टीट्यूट कवर ऑल एंड एवरी पार्ट ऑफ द सिलेबस विच हैज बीन मेंशन इन टू द यूपीएससी सिलेबस। सो प्रिलिम्स, मेंस एंड द गाइडेंस फॉर इंटरव्यू, आर दे कवरिंग द एंटायर सिलेबस? मार्क द टॉपिक ओवर देयर एंड देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन एट द इंक्वायरी डेस्क दैट विल दे बी कवरिंग द एंटायर सिलेबस, ईच एंड एवरीथिंग रिटन इन टू दैट, एंड देर आर समथिंग इन बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो। सो विल दे बी कवरिंग द सिलेबस एंड विल दे बी प्रिपेयरिंग द कैंडिडेट होलिस्टिकली फॉर दिस एग्जामिनेशन? देन द नेक्स्ट थिंग वी हैव टू लुक इन टू द कोचिंग दैट वट इज द फैकल्टी प्रोफाइल। फैकल्टी मीन्स द टीचर हु आर टीचिंग ओवर देयर। कोचिंग आर नॉट रन बाय सिंगल इंडिविजुअल। नाउ अडेज यू आई मीन द कोचिंग रिक्वायर एटलीस्ट 6 to 8 पीपल टू रन द इंटायर शो। आई मीन देर आर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सिलेबस विच आर वेरी स्पेशलाइज and then a specialized subject require a specialized human resource to deal with. So if there is any coaching where one faculty taking care of many subject together, then the credential and credibility of that coaching is always under question, right? And then if you find a coaching where each and every topic is taken care by the specialized teaching resource, har ek subject ko alag alag expert padhate hain, us coaching ki credibility और वहां पे एडमिशन लेना ज्यादा बढ़िया है। साथ ही साथ आपको इस बात को देखना पड़ेगा कि ये जो फैकल्टी हैं, इंडिविजुअल फैकल्टी या व्यक्ति जो उस सब्जेक्ट के साथ डील करते हैं, उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन और उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, यानी कि उनकी स्टूडेंट्स में पहचान कैसी है, स्टूडेंट में उनका एक्सेप्टेंस कैसा है। इसके बाद एक और एरिया महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कक्षाएं होंगी, कक्षाएं होती हैं, क्लासेस आर ऑलवेज देयर, यू गेट अ रेगुलर क्लासेस ओवर देयर, बट आर दीज क्लासेस आर सपोर्टेड बाय रेगुलर रिवीजन एंड मॉक टेस्ट? बिकॉज ऑब्वियसली इफ यू प्रिपेयर फॉर समथिंग देन यू नीड टू गेट अ फीडबैक एंड द लेवल ऑफ प्रिपरेशन यू नीड टू चेक।
तो ऐसी कोचिंग जहां पे रेगुलर रिवीजन की व्यवस्था की जाए, जहां पे रेगुलर मॉक टेस्ट हो कम से कम वीक में एक बार, ऐसी कोचिंग को तरजीह देना ज्यादा अच्छा होगा। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा होगा कि अपडेटेड स्टडी मटेरियल वो कोचिंग देती हैं या नहीं। याद रखें यूपीएससी में निरंतर बदलाव होते हैं, हमारे सब्जेक्ट मैटर में निरंतर बदलाव होते हैं, पूरा का पूरा सिलेबस आज करंट डेवलपमेंटल इशू पे बेस्ड है, यानी कि यूपीएससी के किसी भी पेपर को आप करंट अफेयर से अलग करके नहीं देख सकते हैं। तो क्या ये कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन अपने स्टडी मटेरियल को उसी पेस के साथ अपडेट करती हैं या नहीं करती हैं? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट द अपडेटेड स्टडी मटेरियल फ्रॉम द कोचिंग विच आर रिवाइज्ड एवरी ईयर एंड एवरी नाउ एंड देन। नेक्स्ट क्राइटेरिया हमारा होगा कि क्या वो कोचिंग फैकल्टी के साथ पर्सनल इंटरेक्शन की सुविधा मुहैया कराता है, क्योंकि सामान्यतः कोचिंग में कक्षाएं भीड़ में होती हैं, उस भीड़ में सभी क्वेरीज को पूछ पाना, सभी दुविधाओं से निजात पा पाना मुश्किल होता है। तो ऐसी कोचिंग जहां पे फैकल्टी क्लास के बाद भी उपलब्ध होते हों, द फैकल्टी विच आर अवेलेबल इन द क्वेरी रूम आफ्टर द क्लास, दैट शुड बी देयर, एंड द स्टूडेंट मस्ट बी इनकरेज्ड टू गो टू द फैकल्टी इन केस ऑफ एनी डाउट एंड फॉर द रेगुलर इंटरेक्शन एज वेल। आगे की क्राइटेरिया यह है कि उनकी टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि क्लासेस में कवरेज पहले हो गया, नोट्स बाद में आया। अब वो नोट्स कोचिंग ने दे तो दिया लेकिन स्टूडेंट उसे पढ़ते नहीं है। एक अच्छी टीचिंग मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, यानी कि पहले आपको ये बताया जाने चाहिए कि फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू डू द बेसिक रीडिंग, एंड बिफोर द क्लास यू मस्ट बी गेटिंग द अपडेटेड स्टडी मटीरियल फ्रॉम द कोचिंग, एंड देन वंस यू हैव गॉन थ्रू द बेसिक रीडिंग एंड द कोचिंग मटीरियल, देन द क्लास शुड बी देयर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द क्लास एंड द स्टडी मटीरियल द बोथ शुड बी इन कोहरेंस, ये दोनों एक साथ होने चाहिए। साथ ही साथ क्लास के बाद एक ऐसी व्यवस्था हो जहां पर आपके पूरे परीक्षा यानी कि पूरे तैयारी के स्तर को मापने की व्यवस्था हो, देयर शुड बी अ एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर द रिवीजन, सो देयर शुड बी अ वेरी साइंटिफिक टीचिंग मेथोडोलॉजी जहां पे आप तकनीक के प्रयोग क्लासरूम में करते हुए देखें, टीचर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्लाइड्स वीडियो और कई अन्य माध्यम से किसी लेक्चर को समझाने की कोशिश करता है, जिसके चलते वो पूरी समझ या पूरी कॉन्सेप्ट काफी अच्छे से समझ में आ जाती है। इसके अलावा एक दूसरा क्राइटेरिया ये है कि हम किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्रीवियस रिजल्ट को भी देख सकते हैं। हालांकि ये प्रीवियस रिजल्ट का मामला बहुत ही गंभीर है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने पीयर ग्रुप, अपने जान पहचान में अपने सीनियर से बात करेंगे तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि विच इंस्टीट्यूट हैज प्रोड्यूस्ड विच टॉपर्स और हाउ मेनी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स इन दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। दैट इज द वन क्राइटेरिया, एंड यू कैन टॉक टू द सेलेक्टेड कैंडिडेट एज वेल। इफ यू नो एनी सेलेक्टेड कैंडिडेट यू कैन सीक देयर एडवाइस दैट विच इंस्टीट्यूट यू शुड गो फॉर, बिकॉज दे विल गिव यू अनबायस्ड ओपिनियन अबाउट इट। अगेन दिस एंटायर प्रिपरेटरी जर्नी इज ऑफ मोर देन 10 months, इट मे बी 1 year ऑल्सो, सो ऑल थ्रू दिस 1 year यू नीड टू बी मोटिवेटेड। आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है, अपने आप को रखना है। इस मोटिवेशन के क्षेत्र में भी कोचिंग की एक भूमिका हो सकती है। आई मीन मेनी कोचिंग हु ऑर्गेनाइज अ मीट विद IAS टॉपर, दे ऑर्गेनाइज अ सेमिनार फ्रॉम एक्स ब्यूरोक्रैट्स, एंड दिस IAS टॉपर एंड एक्स ब्यूरोक्रैट्स बिसाइड इम्पार्टिंग देयर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, दे ऑल्सो मोटिवेट टू अ लेवल वेयर द कैंडिडेट फील एलिटेड अबाउट इट। So that is also very important part of the coaching organization, that the coaching is not only taking care of the academics and needs of this examination, but also playing its part in motivation of the candidate. साथ ही साथ coaching की ये भी भूमिका होनी चाहिए कि आपके ऊपर थोड़ी personal attention भी रखे, व्यक्तिगत और निजी मामलों में भी आपके साथ सहायक बने। उसके अलावा एक और बात है, वो है एकेडमिक सपोर्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ क्लासेस, कि अगर आपने कोचिंग से क्लासेस कंप्लीट कर ली
आपने कोचिंग में क्लासेस बंद कर दी, आपका सिलेबस कवर हो गया, देन व्हाट? आई मीन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर क्लासेस ओवर द कोचिंग, इज द कोचिंग इज स्टिल अवेलेबल, इज द रिसोर्सेज आर स्टिल अवेलेबल, इज द फैकल्टीज आर स्टिल अवेलेबल टू डील विद एनी काइंड ऑफ डाउट एंड क्वारी दैट यू कम अक्रॉस ड्यूरिंग योर प्रिपरेटरी जर्नी, और एट एनी पॉइंट ऑफ योर प्रिपरेशन इफ यू फील लाइक गोइंग टू गेट सम मटीरियल, गोइंग टू गेट सम क्लासेस, गोइंग टू इंट्रैक्ट विद द फैकल्टी, देन दे शुड बी अवेलेबल फॉर यू. सो दीज आर द क्राइटेरिया ऑन विच अ गुड कोचिंग इंस्टीट्यूट कैन बी सेलेक्टेड. आई मीन आई होप दैट दिस इंटायर इनसाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो इन सभी क्राइटेरिया के अलावा ऐसी कई सारी जानकारी jagranjosh.com पर भी उपलब्ध है, जहां पे कई कोचिंग की प्रोफाइल तथा कई ऐसे डेटाबेस हैं जिससे आपको एक बेहतरीन कोचिंग को चुनने में मदद मिल सकती है. कई सारे ऐसे क्राइटेरिया तथा संदर्भों का विस्तार से उल्लेख किया गया है. इट हैज बीन डील्ट एट द ग्रेट लेंथ एट द jagranjosh.com विच विल हेल्प यू टू चूज एंड ऑप्ट फॉर अ बेस्ट कोचिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर योर प्रिपरेशन. सो आई होप दैट दिस इंटायर इनसाइटफुल डिस्कशन विल हेल्प यू टू फाइंड अ गुड कोचिंग for your preparation. All the best. Thank you.